किसी ने पूछा बाद नमाज मगरिब नवाफिल जो पढ़ने उसकी नियत का तरीक़ा और दुआ क्या करें, रहनुमाई फरमाएं। रज़ाए वालिदैन की पढ़ने की नियत का तरीक़ा, ईसाल सवाब, ये वो सब। शब बारात में बेरी के पत्तों से गौसल का मसला, शब बारात से पहले फौत होने वालों के लिए अरफा, नवाफिल। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इसकी कोई तादाद तो बयान नहीं हुई है बाकायदा, अपनी मर्ज़ी पर जितने पढ़ सकें आप पढ़ लें और दो दो रकात करके पढ़ें, और उसमें ईमान की सलामती की नीयत कि या अल्लाह इन नफिल के बरकत से मुझे मरते दम तक ईमान पर साबित कदम रख। बहुत बड़ी दुआ है, इंसान का कुछ पता नहीं कब भटक जाए कब फिर जाए, अल्लाह माफ़ करे। तो खात्मा बिल खैर की दुआ नफिल नियत से। नमाज तो सब अल्लाह के लिए होती है मगर उसमें नियतें क्या होती हैं कि इसकी बरकत से ऐसा हो जाए, यूं करके दो रकात बीमारियों से शिफा की नियत, दो रकात गुनाहों की मगफरत की नियत, छोटे बड़े खुले छुपे हर किस्म के दानिश्ता नादानिश्ता गुनाहों की मगफरत, दो रकात ये नियत हो जाए, और दो रकात ईसाले सवाब वालिदैन का हो, अजीज़ अकारिब का हो, किसी का भी हो, नियत के या अल्लाह इन नफिल के बरकत से मेरे फलां की मगफरत फरमा। तो इस तरीके से ये नवाफिल की नियत हो सकती है कि जब नफिल पढ़ने खड़े हों तो दिल के अंदर ये नियत रखें, या अल्लाह इसकी बरकत से ऐसा हो जाए, या अल्लाह इसके वसीले से ऐसा हो जाए, तो ये होगी नियत। तो इस तरीके से आप जितनी नफिल जितने नवाफिल चाहें पढ़ लें, और वो जो मैंने अर्ज़ किया कि अगर कज़ा नमाजें हैं तो कोशिश करें कि नवाफिल भले पढ़ें मगर कज़ा नमाजें जो हैं उनके लिए अच्छा मौका है, वो आप पढ़ते रहें।